किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहते, रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, बैक टू बैक ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, वो कांग्रेस को लबिंदा कह चुके हैं, चौधरी रंजीत सिंह, अशोक तंवर, धीरेंद्र सिंह छोड़ के दोबारा वापस आ गए, दूसरे भी जो सीनियर लीडर हैं वो भी अब छोड़ गए हैं। देखो, जहाँ तक कि जो बीरेंद्र सिंह की बात है, वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। विशेष तौर पर उन्होंने अपने लेटर में व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है कि उनकी मनोपली के कारण हम छोड़, उनका अनुभव है तो उन्होंने लिखा। तो बिल्कुल पीड़ित है, और विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। लोग देखो, पीड़ित भाजपा से है, विकल्प कांग्रेस ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की बातें हैं, पार्टी के अंदर भी हम इनको, और भी बातें हैं जो हम उठाएंगे। सारी बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी फोरम में हम और भी बातें हैं जो उठाएंगे। आपने जो मुद्दे उठाए थे कि टिकटों का बंटवारा सही प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया, आपके कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय मान, उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा को शिकायत है तो पार्टी लेवल। देखो, वो प्रधान है, वो कहे जो उनको, मेरे को जो कहना था मैं कह दूं। विभाग कुमारी शैलजा बोलती रहेंगी, जो लगेगा कहूंगी। पार्टी के दायरे में हमेशा हम रहे हैं, और पार्टी के बारे में हमको कोई सिखाने लायक मुझे नहीं लगता कोई है पार्टी में। एक आध होगा कोई, लेकिन तकरीबन नहीं है, तकरीबन नहीं है। जिस तरह से पार्टी में हम रहे हैं और पीढ़ियों से रहे हैं, एक दिन भी ना तो पार्टी से बाहर गए, और ना सोचा और ना सोचेंगे। इसलिए पार्टी में गर्दन ऊपर उठा के चलते हैं हम। आपका किरण चौधरी, और अहंकार से नहीं कह रही हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित होके कह रही हूँ। आपका किरण चौधरी मैम से अच्छे संबंध रहे हैं, आप अभी भी उनको कहते रहे हैं, आपने प्रयास नहीं किया कि वो रुके आपकी पार्टी में? को उन्होंने अपना फैसला अपने विवेक से लिया, जो भी है। बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि हम तो चाहते थे कि हम साथ रहें और साथ में पार्टी में मेहनत करें, क्योंकि उनका भी परिवार एक लेगेसी है, जो बंसीलाल की लेगेसी है और परिवारों की लेगेसी है हरियाणा में। तो इस तरह से एकदम ऐसा होना, बाहर से तो लोगों को पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाते रहते हैं कि फलाने को ले लिया, नंबर गिने जा रहे हैं, और जो यहाँ के स्तंभ हैं उनको बाहर कर दो, ये तो कोई तरीका नहीं है। अब पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल। नुकसान तो हुआ, कैसे मैं कहूँ कि नहीं हुआ।
जिस तरह से लेकिन कार्यकर्ता फिर से पार्टी में काम करेंगे, जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस खाली होती जा रही है, क्या 24 का सपना पूरा हो पाएगा हरियाणा का? और क्या इस मुद्दे को लेकर क्या आप खाली, तो खैर क्या वो तो बता रहे हैं कि कितने लोगों को पार्टी ज्वाइन करवा ली है, सीनियर लीडर छोड़ के जा रहे हैं। मैडम राज्यसभा के लिए क्या जोड़ तोड़ है? राज्यसभा अब आएगी, अब देखते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से भाजपा में भी, इंडिपेंडेंट्स भी, दूसरी पार्टियां, इतनी खिचड़ी बन गई है आज के दिन हमारे राज्य में सभी पार्टियों की स्थिति, तो अब देखते हैं। कोशिश तो होगी, कोशिश तो करेंगे।